और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज की चर्चा है घंटे की स्थापना पर। योगिनी तंत्र में कहा गया है कि शिव के मंदिर में भल्लक, सूर्य के मंदिर में शंख, दुर्गा के मंदिर में बांसुरी नहीं बजानी चाहिए। नवरात्र के दिनों में दुर्गा साधना से बांसुरी को दूर रखा जाना चाहिए। जयसिंह कल्पद्रुम के अनुसार सदैव घंटा या घंटी बजाना शुभ है। घंटा सर्ववाद्यमय माना गया है। भारत के अलावा चीनियों ने भी इसे समझा और आज बाजार में तरह तरह के विंड चाइम्स अवेलेबल हैं। यही नहीं, गिरजाघरों में भी घंटी बजाने की परंपरा है। तो पूरे प्लेनेट अर्थ पर इस बात को मनुष्य ने महसूस किया कि घंटे की आवाज़ नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को एकत्र करके उस स्थान के वास्तु को शुद्ध करती है। इसलिए पूजा घर में अपने वाम भाग में अपने बाएं हिस्से के आगे घंटा बजाकर रखना चाहिए। उसकी गंध अक्षत पुष्प से पूजा करनी चाहिए और मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः गरुणाय नमः। गरुण, गरुण देवता का नाम जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गरुणाय नमः। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घंटे की स्थापना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।